विल टेक प्लेस ऑन थर्सडे। कोई नहीं लगा है, बाकी किसी चीज पे कोई स्टे नहीं है। सिर्फ वो जो दो हफ्ते में गवर्नर साहब ने टाइम दिया था फ्लोर टेस्ट करवाने का, उसकी जो तारीख है वो बृहस्पतिवार को तय कर दी गई है। वो जो मांग कर रहे थे कंपोजिट फ्लोर टेस्ट की, किसी और कोई भी मांग को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो 15 दिन का समय गवर्नर साहब ने दिया था फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए, उसको बृहस्पतिवार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। सर, व्हाट हैज वर्क्ड इन फेवर ऑफ द बीजेपी अकॉर्डिंग टू यू एंड व्हाट हैज आ जाओ नलिन टुडे इन फैक्ट कांग्रेस वेंट अहेड एंड सेड दे हैव गॉट द नंबर। पहले आज जो आज मनीष शुक्ला इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ राजीव रंजन तो गोवा की राजनीतिक स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि गोवा में ही राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देख रही थी। मनीष, एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया, और ये जरूर क्लियर कीजिएगा क्या सिर्फ ऑर्डर में इतना ही है कि 16 तारीख को 11 बजे तक फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, उसके अलावा कोई रोक नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से जो पिटीशन लगी थी, दो तीन सवाल अहम पूछे। कोर्ट इस बात से नाराज था कि आप क्यों नहीं यहाँ पर, जब कोर्ट में आए तो आपने क्यों नहीं बताया कि आपके पास बहुमत के लिए पर्याप्त 21, कम से कम जो 21 नंबर है वो है कि नहीं। इस पर कोई भी याचिकाकर्ता की तरफ से कोई बात नहीं कही गई। तो कोर्ट के सामने दो सवाल था, क्या इसे नोटिस दे करके इस पूरे लार्जर प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नर का फैसला सही था, या कोर्ट अभी डिसाइड कर ले कि इस मामले में क्या करना है। तो सिर्फ कोर्ट ने दो ऑर्डर किए, अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए। एक तो जो स्टे लगाने की बात की जा रही थी पिटीशन में, कि चूंकि ऐसे वक्त में गवर्नर ने कांग्रेस पार्टी से कंसल्ट नहीं किया, उनको बुलाया नहीं बहुमत साबित करने के लिए, तो ऐसे में स्टे लगाने से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये कहा कि परसों यानी 16 तारीख को गवर्नर को उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि सुबह वो 11 बजे सभी को बुलाएं, सत्र बुलाया जाए, और उसमें ये देखा जाए कि जो कांग्रेस पार्टी के पास क्या 21 नंबर हैं, या फिर बीजेपी जिस तरीके से कह रही है कि उनके पास मिनिमम 21 विधायक के नंबर हैं वो है कि नहीं, और फ्लोर टेस्ट करने के लिए उन्होंने 16 तारीख का दिन रखा है। जो पूरा आर्गूमेंट हुआ था, जो याचिका दायर की गई थी कांग्रेस की तरफ से, बार बार जो याचिकाकर्ता ने बात कही कि गवर्नर ने कांग्रेस पार्टी को इनवाइट नहीं किया सरकार बनाने के लिए, सिर्फ उन्होंने जो बीजेपी की तरफ से जो गवर्नर को कम्युनिकेट किया गया था कि उनके पास 21 कम से कम विधायक हो गए हैं, उसी आधार पर ये फैसला ले लिया गया कि मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री के शपथ के लिए आज का दिन यानी शाम का मुकर्रर कर दिया गया था। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए।